मानसून का पहले आ, राइट राइट यही यही हाँ बात पर डिस्कस हुआ था। तो जो द हिंदू का आर्टिकल था वो पूरी तरह से गलत है, वो सही नहीं है। ठीक है, वो सही नहीं है, यही बात सही है। निगेटिव आईओडी, इस पर बात में हम लोग चर्चा किए, यही सही है। लेकिन अभी ये जो बात हुई है और लोग समझ नहीं आई होगी, हमने यहाँ तक लिखा था कि जिसको जिसको डाउट है, कोई दिक्कत है तो हमें कॉल कर लेना। ठीक है, तो जिन जिन किया तो हम लोग डिस्कस किए, लेकिन जिसको नहीं समझ में आया था ये पूरा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एक ऐसी चीज है कि हमेशा जो है ये रहेगी। अभी हम बेस डेवलप कर रहे हैं, करंट अफेयर का बेस डेवलप कर रहे हैं, और बेस के साथ कनेक्ट होकर के हमने 5 से 6 आर्टिकल समझे थे। ठीक है, अब उसमें सुबह क्लास थोड़ा भारी थी मानता हूं, लेकिन जिसको नहीं समझ में आई उसको समझ लो। अगर एक बार समझ में आ गई तो फिर अटकेगा नहीं कहीं मामला, और ये दिखेगा हमेशा आपको करंट अफेयर में, हर साल दिखेगा, हमेशा जीवन पर्यंत दिखेगा। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, बेस बिल्डिंग पर। तो ठीक है, तो राहुल जी का भी एक डाउट है, और लेकिन इसके पहले और किसी का डाउट हो? सर, इसका मीटिंग का पासपोर्ट क्या है? ज्वाइन नहीं कर पा रहे क्या? नहीं, हमारे को उस पर दिक्कत आ रही, ब्राउजर पे और उस पे, दोनों पे। तो दूसरे मोड से गए हैं इसमें, तो इसमें ज्वाइन है मीटिंग, मीटिंग पासपोर्ट पूछ रहे हैं। कैपिटल एच, स्मॉल आर, एक मिनट, कैपिटल एच स्मॉल आर, कैपिटल सी यू कैपिटल सी यू, जीरो, कैपिटल पी, जीरो कैपिटल सी सी नहीं, पी पी अपा पी, मतलब कैपिटल एच, फिर स्मॉल आर, सी यू, जीरो पी, ये सारे कैपिटल है, केवल आर जी स्मॉल है। जी जी सही है। ठीक है, तो हो गया ना आपका? हाँ, वो अब आ रहा है, इस पर ज्वाइन भी। ठीक 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 ओके। सर हाँ आ गया। हाँ, तो इसका सर मतलब जितना राहुल जी के अलावा किसी ने जो है पढ़ाई नहीं करी नहीं है सर मैं ना, कुछ पूछ रहा और हूँ किसी कोई सर डाउट नहीं है, सबको समझ आएगा। सर अब मैं पूछना शुरू करता हूँ, ठीक है सर सबसे। मैं सर मेरी आवाज आ रही है क्या? मैं अभिषेक। हाँ, आ रही, बताओ। हाँ सर, मैं जितना मैंने पढ़ पाया तो उतना में से एक डाउट था मेरे पास। जैसे कि जो आपने बताया था मॉर्निंग में कि सूर्य जो है वह ब्लैक होल नहीं बन पाता है, तो जो मैंने उसमें समझा था उसमें जो लिखा बन है। नहीं पाता है, ऐसा नहीं। हाँ तुम्हारा जो नहीं है, तुम इंटरव्यू में फेल हो बेटा, तुम्हारा जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, प्री मेंस की तरह निकाल ले गए तो इंटरव्यू में फंसोगे, तुम्हें रुला दिया नहीं जाएगा। बात तुम जो यही है ना। बाप, हाँ हाँ, शब्द शब्द का चयन क्या था? बन नहीं पाता मतलब बार बार ट्राई कर रहा है वो, नहीं भाई है वो बन बात नहीं नहीं पाता है। है। अरे मेरी बात तो सुनिए, बात ये है ना कि ये उसमें ये बताया गया था, आपने बताया था कि सूर्य नहीं बन पाएगा, ये बात है, क्योंकि वो बहुत उसका जो मास है वो ज्यादा छोटा है, बहुत कम है मतलब। हाँ, 1.4 सोलर मास या 2.765 10 की पावर 30 किलोग्राम, तो ये मास चंद्रशेखर सीमा लिमिट है या उसका मास है सूर्य का? ये चंद्रशेखर लिमिट है कि जब तक इसके ऊपर नहीं होगा तब तक कोई भी जो स्टार है वो ब्लैक होल नहीं बन सकता। हाँ क्लियर? जी ठीक ठीक है, है। अगर सूर्य की ही बात होती तो केवल एक में हो जाता, 1 सोलर मास, है ना, वही हो जाता। लेकिन अब वो क्या बता रहे हैं, कितना ज्यादा होना चाहिए, जितना भी हमारा सूर्य का है मास, पूरा सोलर मास है ना, उससे सोलर मास, इसमें सोलर मास पूरा हमारा सिस्टम का, जितना भी सोलर सिस्टम का है उसको इंक्लूड करके जितना भी है, उससे 1.4 टाइम्स ज्यादा होगा, तभी जा करके कोई भी दूसरा स्टार ब्लैक होल की कंडीशन को अचीव कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो एक ड्वार्फ स्टार बन के रह जाएगा। ठीक है, फिर कहीं टकराएगा, खत्म होगा, धूल धूसरित हो जाएगा। मास होना जरूरी है, मास, जब तक तुम्हारे अंदर गुरुत्व तो नहीं है
तब तक खिंचाव नहीं पैदा होगा, है कि नहीं? जी। डेंसिटी चाहिए जीवन में, कभी भी खिंचाव चाहिए तो गुरुत्व तो पहले पैदा करना होगा, मास चाहिए, मास, है कि नहीं? ठीक है। मतलब सर हाँ। पूरे सौर मंडल का 1 × 1.4, हाँ जितना भी है 1 है, 1.4 टाइम्स हायर देन 1.4। और इसी को बताएगा चंद्रशेखर लिमिट। पूरा सौर मंडल या फिर ओनली सूरज अकेला? नहीं नहीं, सोलर मास, सोलर मास, सोलर मास मतलब कि सौर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि सारा कुछ उसकी ग्रेविटी डिपेंड करता है, उस पर आधारित है। अब ये भी बात करते हैं कैसे भाई, उस पर डिपेंडेंट है बाकी सिस्टम, उसका ग्रेविटी का लॉस हो रहा है वहां पर खींचने में, है कि नहीं? तो सोलर मास कहते हैं उसे। पूरा हम बहुत निग्लिजिबल है सूर्य के तुलना में, बहुत निग्लिजिबल है, बाकी का भी जितना भी मास है सब बहुत ही नगण्य है, है ना? तो ये डाउट क्लियर हुआ अभिषेक जी? यस सर। और किसी का कोई डाउट है? सुबह तो बहुत लोग पूछ रहे थे, अब सब कहाँ गए? सर गुड इवनिंग सर। सर सोमालियन जेट स्ट्रीम, सर सोमालियन जेट स्ट्रीम जब चलते हैं तो आपने बताया 6 मंथ क्लॉकवाइज और 6 मंथ एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो क्लॉकवाइज के कंडीशन में पहले आता है या एंटी क्लॉकवाइज के कंडीशन में आता है? ठीक है, इसको तुम खुद ही बताओ तो बेहतर होगा, है ना? सर ये अच्छा वीडियो में मिला था कि सर 2-3 बार रिपीट करके देखा लेकिन ठीक से समझ नहीं आई। वीडियो में था सर, क्लॉकवाइज में मानसून डिले होगा, एंटी क्लॉकवाइज में मानसून समय पर आएगा, यही ना सर? प्राची ने बताया कि क्लॉकवाइज में मानसून डिले होगा, एंटी क्लॉकवाइज में मानसून समय पर आएगा। क्यों रितुल जी? उल्टा होना चाहिए सर। क्यों रितुल जी? क्लॉकवाइज मानसून जल्दी आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन में मानसून डिले में आएगा, इस पर आपका क्या कहना है? बहुत बड़े मुद्दे बात कर रहे हैं, अगर यहाँ तक समझ जा रहे हैं तो मतलब दिमाग खुल रहा है, बहुत हाई लेवल पे जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज पे सर स्लो होगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलने पर क्या होगा, ये उसको पुश कर देगा नीचे की तरफ। नहीं सर ऐसा होना चाहिए ना, क्लॉकवाइज चलने पर वो ईस्टर्लीज जो है, ईस्टर्लीज ट्रेड विंड वो प्राचीन का है, क्लॉकवाइज चलने पर की साइड आएंगे ना, तो डिले होना चाहिए क्लॉकवाइज की कंडीशन में। बनाते हैं क्लॉकवाइज में तेज होगा, एंटी क्लॉकवाइज में धीमा होना चाहिए मेरे हिसाब से। बताओ तुम लोग करंट एफेयर क्लास में सोमालियन एंटी क्लॉकवाइज से धीमा रहेगा, क्या बात है, क्लॉकवाइज पे धीमा रहेगा नहीं करता सर? क्लॉक वाइज में मॉनसून डिले हो जाएगा इंडिया का, और एंटी क्लॉक वाइज में सर वो सपोर्ट करेगा, क्लॉक वाइज में डिले होगा। देखता हूं अब क्लॉक वाइज में डिले हो रहा है, एंटी क्लॉक वाइज भी क्या, अगर समय से पहले हो रही है तब मॉनसून जल्दी आएगा, अगर अपने समय पर हो रही है तो मॉनसून भी समय पर आएगा। चलो देखते हैं, पुश इफेक्ट का काम कर रहा है ना, ये बढ़िया डाउट है, बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी। हाँ चलो अभी डिस्काउंट चलाते हैं, चलो भाई क्लॉक वाइज चलाते हैं। तो प्राची जी का कथन है कि जो है जब क्लॉक वाइज चलेगा तो मानसून क्या होगा सर? डिले होगा। क्लॉक वाइज में डिले, ठीक है, क्लॉक वाइज में डिले। और राहुल क्या कह रहे हैं उस पे? डिले होगा सर। अच्छा रितुल जी? सर डिले होगा, हाँ क्लॉक वाइज में मतलब समय से आएगा, मतलब पहले आएगा, एंटी क्लॉक वाइज में डिले होगा। देवेंद्र जी?
मॉर्निंग क्लास में मैं थी नहीं और रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। ओके ओके, अरे उसको बहुत, अरे क्यों नहीं देखा, सुनना चाहिए था। चलो ठीक है, ये क्लॉक वाइज में बहुत जरूरी है, क्लॉक वाइज में पहले आएगा समय पे और एंटी क्लॉक वाइज में डिले होगा। गजेन जी सुबह थे ना आप क्लास में? हाँ सर था। हाँ बताइए जरा। सर मैं इसमें एंटी क्लॉक वाइज में डिले जाऊंगा सर। ओके ओके ओके, आप जो है एक लोग जो है बोले कम से कम बोले, रितुल सर का भी और मेरा भी तो यही है सर। नहीं तो क्लॉक वाइज में डिले बोले हैं ना आप लोग समर्थन नहीं। में सर, नहीं सर क्लॉक वाइज में सर पहले बोले हैं जी सर, एंटी क्लॉक वाइज में डिले बोला। रितुल सर का, मेरा और गजेंद्र का, तीनों का एक ही है सर। अच्छा 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 अच्छा, मेरा भी सर वही है, एंटी क्लॉक वाइज में डिले होगा। ठीक है मीर सर, क्लॉक वाइज में डिले होगा सर। ठीक है आप समर्थन में हैं सीधा। ठीक है पूनम क्लास में थी ना? सर मैं क्लास में नहीं थी लेकिन मैंने बाद में देखी थी वीडियो। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ जी सर बताओ। तो सर क्लॉक वाइज में जैसे मीन ने बताया वो डिले होगा और एंटी क्लॉक वाइज में जो है टाइम से पहले प्राची जी के साथ जाते हैं आप। रजनीश हेलो। सर मैं क्लास में तो था बस नाम मात्र का, क्योंकि मैं ऑफिस जा रहा था। यार ऐसे मत रहा करो। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन सर आज थोड़ी जल्दी बात में। अच्छा आज आज की बात ना आज। यस चलो कोई बात नहीं। रोमिल जी, रोमिल जी इंजीनियर साहब बताइए। सर एंटी क्लॉकवाइज में डिले होगा, क्लॉकवाइज में जल्दी आएगा। अच्छा आप जो है बटालियन के साथ में हैं। ठीक है ठीक है रोमिल जी। सोनू जी नहीं, अच्छा वर्षा जी, वर्षा नरवानी जी। सर क्लॉकवाइज में डिले होगा, एंटी क्लॉक में जल्दी आ जाएगा। ओके वर्षा जी का इधर है। चलो देखते हैं अब क्या है। विनोद चौहान, हाँ विनोद चौहान जागर की अच्छी इनकी। हाँ बताइए। सर मैं क्लास में नहीं था सुबह। नहीं मॉर्निंग क्लास ना आज की। हाँ सर आज की मॉर्निंग क्लास में नहीं था सर मैं आज। तो वीडियो सुनना चाहिए था, वीडियो क्यों पढ़ते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं है ना, ताकि सुन के आए। हम बस सर अभी देखेंगे सर, फ्री हुए थे। इसको बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जो हमने आज बताया है, जो क्लास थी वो मॉकऑस वाला था नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग में वो पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा घटना हो रहा है। पूरा दुनिया क्लाइमेट चेंज हो रहा है धीरे धीरे है ना। और सर वो आ नहीं पाता रिकॉर्डिंग में, रिकॉर्डिंग में था ही नहीं। Yes, sir. बताओ पूरा मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं। उसमें दरअसल उसका कारण यह था क्योंकि जो है डिलीट नहीं हुए थे वीडियो, इस कारण से जहां तक उसमें स्पेस था तो वहां तक रिकॉर्डिंग हो पाई थी। सर वो सेक्शन पूरा ही आप बता देना एक बार। जी सर मेरा भी नहीं हुआ है, 47 मिनट तक ही देख पाया सर। वो डिलीट नहीं हुआ था इस कारण से सर, बाकी जो है इसीलिए हमने इसको अब क्लाउड कर लिया है ना, तो ताकि रिकॉर्डिंग हो सके। अगर मान लो इस पर कोई दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग कोई दिक्कत ना हो है ना। तो ठीक है अभी आते हैं उस पर। तो पहले इसको चेक करते हैं, सोमालियन जेट स्ट्रीम को कैसे चलती होगी ये है ना, और कब सपोर्ट करती होगी। रिकॉर्डिंग हेलो हो रही है सर, हो रही है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जैसे अभी हम देखें तो गर्मी में जो मरुस्थली क्षेत्र हैं इनमें क्या प्रभाव पड़ता होगा, कैसा प्रेशर बनता होगा गर्मी में? लो प्रेशर बिल्कुल जल्दी गर्म हो जाते हैं जिससे लो प्रेशर, राइट लो प्रेशर गर्म होता, गर्म कर दिया इसने, ठीक। तो यानी कि जो हाई प्रेशर होगा वो कहाँ होगा, किधर को होगा, गर्मी में, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र है, गर्म होगा, तपेगा, लो प्रेशर डेवलप होगा, है ना। और गर्मी में ही तो मानसून आता है, तभी तो सपोर्ट करेगा उसे, है ना, ठीक है। तो यानी मेडागास्कर की तरफ से हवा चलेगी इधर सरफेस विंड, अगर इसको हम बनाए 2D, तो यानी इसको मान ले ऐसे कि ये मेडागास्कर मान लो, इसे मान लो मरुस्थल वाला क्षेत्र, इधर से ऐसे गया, ठीक। अब यहां से फिर सिंक होगा, ठीक, यानी सर्कुलेशन होगा ऐसे, समर सर्कुलेशन ऑफ द सोमालियन जेट स्ट्रीम, बिकॉज दिस जेट स्ट्रीम डेवलप फ्रॉम द सोमालिया, वहां से गर्म होकर के हवा ऊपर को उठ रही है, है ना, तो इस कारण से इसे हम कहेंगे सोमालियन जेट स्ट्रीम, ठीक। तो अब ये इधर को मार्च कर गई, तो ये सर्कुलेशन कैसा है भाई? क्लॉकवाइज सर्कुलेशन है ना, ठीक है। हवा जो है चल रही ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड है वो मार्च कर रही है ऐसे, है ना, इसी को धक्का मारेगी तू इधर जा, क्योंकि कोरियालिस फोर्स उसको जैसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पहुंचेगा उसको उठा घुमा देगा 5 डिग्री के बाद, तो 5 डिग्री के पहले ही घूम जा रही है, तो कोरियालिस फोर्स का इसके ऊपर इंपैक्ट आने कोई मतलब बनता नहीं है सोमालियन जेट स्ट्रीम के ऊपर, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्ट्रांग है, यहाँ पर अपकेंद्रीय बल स्ट्रांग है, उसको उठाकर ऊपर फेंक घुमा देगा, लेकिन ये इसको धक्का मिला, सपोर्ट मिला, तो अब ये भाग गया इधर को, ठीक है। यानी कि अगर सोमालियन जेट स्ट्रीम है और वो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन कर रही है तो ये मानसून को सपोर्ट करेगी टाइमली, देखो टाइमली, यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही पक्ष गड़बड़ है, डिले और उसकी बात नहीं करेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि वो नॉर्मल मानसून अपने टाइम पर पहुंचता है, लेकिन ये सर्कुलेशन डिस्टर्बेंस होता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव आईओडी एंड निगेटिव आईओडी, धनात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुवण और ऋणात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुवण, इन कंडीशन कारण यहाँ पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसका एक्सेलरेट हो जाता है, हीट वेव चल गई, ऊष्मीय तरंगे, है ना, तो हीट वेव सर्कुलेशन के कारण वो उसका स्पीड क्या हो गया, फास्ट हो गया, लो प्रेशर, एक्सट्रीम लो प्रेशर बन गया है, है ना। प्लस साथ ही साथ अगर लानीना अलिनो घटनाएं हैं तो वो अलग से सपोर्ट करेंगी या तो फिर उसको निगेटिव इफेक्ट डालेंगी, है ना, ये भी करना, जैसे कि पॉजिटिव में क्या होता है, अलिनो समय आता है, हवा उल्टा चलेगी इधर से इधर उल्टा, तो मानसून को, मानसून के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेगी, उसको विरोध करेगी, ठीक है। जैसे कि वो अलग फैक्टर हो गया, लेकिन जैसे कि सोमालियन जेट स्ट्रीम है, अगर ये चलने लगेगी एंटी क्लॉकवाइज तो उल्टा चलेगी, फिर ये ऐसे और धक्का मारेगी, पीछे ढकेलेगी मानसून विंड को, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड को ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको स्लो करेगी, उसकी स्पीड को, दबाव पड़ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इसको ले तो इस तरह से देखा जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर जो है राइट है यहाँ पर, है ना। फिलहाल तो एक्सट्रीम कंडीशन में
ऐसा होगा, डिले होना नहीं चाहिए, पहले आना नहीं चाहिए, एक्सेलरेट होने कंडीशन में ऐसा होता है, क्योंकि सोमालियन जेट स्ट्रीम तो नॉर्मली अपना रुख बदलती ही रहती है, वह आवश्यक है। हीट वेव सर्कुलेशन, उसमें तरंगों का परिवर्तित होना, वह क्योंकि वो भी चलती ही है, ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ हीट वेव, ठीक है, लीड द वार्मिंग ऑफ द डेजर्ट रीजन, एक्सट्रीम वार्मिंग ऑफ द डेजर्ट रीजन, ठीक है, सो फार इट एक्सेलरेटेड द अपलिफ्टमेंट ऑफ द विंड वर्टिकली, ठीक है। तो इस तरह से जब वो उन्नयन होगा उनका, हवाओं का ऊपर उठना होगा, तो वो जल्दी डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर, और जल्दी खींचेगा, तेजी से खींचेगा। तो केवल हीट वेव भी नहीं, अगर साथ ही साथ अगर यह भी आ जाए अलिनो या लानीना, तो उसको और सपोर्ट कर देगा। तो इस बार ऐसा ही हुआ था, दोनों मिलके सपोर्ट किए थे उसको, चीजें और गड़बड़ हो गई, मानसून बहुत पहले आ गया, 1917 का रिकॉर्ड तोड़ा है, सोचो। ठीक है, हिस्ट्री से कोरिलेट करता हूं, कौन सा धरना प्रदर्शन हुआ था गांधी जी का सूखे के कारण, आपातकाल कारण, आपातकाल था, जैसे अभी चल रहा है, कोई बता सकता है? खेड़ा आंदोलन था ना सर, कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह ना, खेड़ा ना, हाँ सर, कौन कौन बोला? गजेंद्र बोल रहा हूँ सर, गजेंद्र जी, हाँ सर, गजेंद्र जी बताए, अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही है, राइट आंसर है ना। तो उसमें जो है इंसाफ दिलवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, गांधी जी को वहाँ पर स्पिरिचुअल लीडर बनाकर बैठा दिया गया था कि ये जहाँ बैठते हैं वहाँ पर धरना प्रदर्शन सफल ही होता है, इस तरह की भूमिका में उनको रखा गया था, ठीक है। तो ये चीज, तो ये डाउट क्लियर हुआ सोमालियन जेट स्ट्रीम का, लक्ष्मी जी? जी सर। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो फिर से पूछ लो। नहीं सर, क्लियर है। और एक चीज और, ये कि जो चंद्रशेखर लिमिट है, इससे मतलब सोलर सिस्टम का भार जो है वो इस चंद्रशेखर लिमिट से 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। 4 गुना कहां ब्लैक होल चाहिए? नहीं, ब्लैक होल में परिवर्तित होने के लिए कितना, ठीक है ठीक है, 1.4 सॉरी मास्टर जी सर, ओके ठीक है, ठीक है। एनीवन एल्स, और किसी का डाउट? तो नेगेटिव आईओडी रहेगी ना सर इसमें? बिल्कुल करेक्ट, वो करेक्ट आईओडी रहेगी, वो वहां पर आर्टिकल में गलत लिख दिए हैं वो लोग, ठीक है सर। तो साथ में अभी कॉल आ गया था तो थोड़ा कॉल रिसीव कर लिया मैं, इसका यही तो रहा ना सर कि जो क्लॉकवाइज है वो फास्ट करेगा, मतलब थोड़ा, हाँ हाँ, जो आप लोगों का आंसर सही था, ठीक है, ठीक है। तो जिनका नहीं था सही था उनको कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्राची जी, क्लियर हुआ या कोई डाउट है? जी सर, समझ में आया। आ गया जी, कैसे उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये जो हवा है यही, इसी को धक्का मिलता है तो जा करके ये मानसून बनती है ना। अगर ये उल्टा चलेगा, सरफेस विंड ही इंपैक्ट डालेगी, अगर दबा रहा है नीचे की ओर, लेकिन तो उसको जान नहीं देगा। मॉर्निंग में वही बताया था, तो मैंने स्कूल से आके रिकॉर्डिंग सुनी थी तो वही लिखा था। मॉर्निंग में सर ने पहले एंटी क्लॉकवाइज बताया था, लेकिन जब ऋतु सर ने क्वेश्चन किया था तो सर ने उसको क्वेश्चन को मतलब सॉल्यूशन कर दिया था कि क्लॉकवाइज, जो ऋतु सर का क्वेश्चन है वो उसमें ना हो, क्योंकि 47 मिनट की है तो मुझे पूरा रिकॉर्डिंग नहीं मिली ना उसी वजह से। हाँ, ये हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना हो, क्योंकि मैं दिन में ही सही कर लिया था इसको, सुबह क्लास में करते करते सही कर लिया था। हाँ, ये हो सकता है वो रिकॉर्डिंग में ना हो, हालांकि मैंने बताया था, बहुत डीपली बताया था वहाँ पर।
बाद में हमने हो सकता है बीच में कुछ रहा हुआ था, है ना? नहीं सर, हो सकता है सुनने में गलती हो गई हो। नहीं, हमसे भी गलती हो सकती है सर। हेलो, बताइए सर। इसका मतलब ये हुआ कि जब समुद्र गर्म है तो मानसून सही समय पे आ रहा है, और अगर कहां पर गर्म है? नहीं, कहां पर गर्म है? कहां पर गर्म है? गर्म होने का मतलब समुद्र का क्या मतलब है? जैसे यहाँ पर भी गर्म हो सकता है, ये यहाँ पर भी गर्म हो सकता है। अब कहाँ? नहीं नहीं, समुद्र से मतलब यहाँ पे जो सोमालियन रीजन है, जो मेडागास्कर का, अगर यहाँ का हिस्सा गर्म है तभी तो अफ्रीका से इस तरफ चलेंगे ना पवन। हाँ, सोमालिया तब चलेगी। हाँ, यानी अगर इस तरफ अफ्रीकी महाद्वीप अगर ठंडा है तब टाइम पर तब उल्टा चलेगी क्योंकि तब उल्टा चलेगी। अफ्रीकी महाद्वीप ठंडा है, हाई प्रेशर डेवलप होगा। हाँ, फिर उसके बाद उल्टा जाती तो क्योंकि मरुस्थल है, ये पूरा मरुस्थली क्षेत्र है, केवल यहीं तक थोड़ी चलती है, इतना चलती है, बहुत लंबा चलती है ना। तो अब इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए ये ठंडी में ठंडा हो जाता है और गर्मी में गर्म, इसी कारण से ये अपना जो सिचुएशन है वो चेंज कर देती है, बदल देती, उलट देती है, है ना? तो अगर ये ठंडा है तो उल्टा चलेगी, तो मानसून को डिले करेगी, है ना? हाई प्रेशर उधर होगा तो सरफेस विंड का डायरेक्शन कैसा होगा? लो प्रेशर तो वही बनेगा ना सर, जो हिस्सा गर्म होगा। हाँ, तो गर्म होने का मतलब यही है ना, अगर समुद्र का जो तापमान है वो स्थलखंड से अगर ज्यादा गर्म है तभी तो इधर जाएगा। मतलब इसका मतलब पवन जो है मानसून सही, मतलब सीधी बात यह है कि आप जो है इसमें इसके साथ में अलनीनो लानीना को शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं शामिल कर रहे हैं तो केवल सोमालियन जेट स्ट्रीम की बात की जाए। जी जी जी, हाँ ठीक। तो उस स्थिति में अगर ये, क्योंकि अलनीनो लालीना की स्थिति हमेशा तो बननी नहीं, तो नॉर्मल कंडीशन में जैसे कि अगर हम माने 1917 की बात की आपने या 1931 की बात की, तो उस कंडीशन में अगर स्थलखंड ठंडा है तो क्लॉकवाइज चलेगी यानी कि मानसून समय से है या थोड़ा पहले आ सकता है। और अगर अगर जैसे मान लिया अफ्रीका महाद्वीप में अगर गर्मी बढ़ रही है तो इसका मतलब मानसून डिले होगा। ये नॉर्मल पैटर्न है तो फिर क्लॉकवाइज कैसे चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज बोला भाई मैंने, एंटी क्लॉकवाइज बोला। आज सुबह मैंने बहुत बड़ा गोंच के बताया अभी था, अभी जैसे रितु सर ने बोला कि स्थलखंड ठंडा रहेगा तो क्लॉकवाइज चलेगी, खत्म कर ले फिर आते तुम्हारे पास भी आते हैं सर। यही इसी से नहीं, हाई प्रेशर तो जो एरिया ठंडा होगा वहीं पर तो बिल्ट अप होगा। हाँ, वहां से हवा जो है सर्कुलेट होगी सरफेस विंड, ठीक। मान लो ये हाई प्रेशर हो गया, है ना, ये हाई प्रेशर हो गया तो हवा चल रही इधर से इधर और फिर उठेगी यहां से, क्योंकि मेडागास्कर हो गया है गर्म, ठीक है, मेडागास्कर गर्म हो गया है पानी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर वार्म ओशन करंट चल रही है। वार्म ओशन करंट कौन सी चल रही है तुल जी? जो पढ़ाई नहीं है सर। अच्छा, हाँ ठीक है, तो मैं पूछता हूँ गौरव जी से, यहाँ पर कौन सी वार मोशन करंट चल रही है? रिवीजन नहीं हो रहा, रिवीजन का कैसे होगा? निशी तो थी नहीं क्लास में, मोजाम्बिक वाली सर। और मेडागास्कर सराउंडेड बाय द वार मोशन करंट सर। अबुल हाल,
सर अबुल हास, अबू हास की धारा है, दूसरी मोजाम्बिक की धारा है, दोनों नीचे जाके मिल जाती हैं अटलांटिक ड्रिफ्ट में, वहां से ठंडी वाली आती है जो उसके साथ मिलते हुए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा जाती है उसमें मिल जाती है। राइट, वेस्ट विंड, अबुल हास एंड मोजाम्बिक है ना, बोथ ओशन करंट सराउंडेड द मेडागास्कर पेनिनसुला। लेकिन जब ये, क्योंकि ये मरुस्थल है तो गर्मी में बहुत गर्म तो लो प्रेशर डेवलप, और ठंडी में ठंडा तो हाई प्रेशर डेवलप, तो सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा। हाई प्रेशर है तो हवा चलेगी सरफेस विंड इधर से इधर, ये मान लो मेडागास्कर है, ये सोमालिया है, तो हवा चली इधर से इधर, ये गर्म है तो हवा यहाँ से ऊपर उठी, यहाँ से नीचे गई, यानी कि ये सर्कुलेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज इन विंटर। ठंडी में कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और मानसून कब आता है, गर्मी में मानसून आता है ना, मानसून कब आता है, गर्मी में आता है ना, तो उसको धक्का कौन मारेगा, ये मारेगा है ना, जब ये चलेगा क्लॉकवाइज आंसर। लेकिन आपने यहाँ पर जो है सही दिया था है ना, अभी जो बोला था आपने सही बोला था। तो अब ये सोमालियन जिट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया हो तो जब इंडियन क्लाइमेट समझेंगे तो बहुत प्यार समझ में आएगा। एक करंट अफेयर के माध्यम से हम लोग जो है, देखो दोनों डिपेंडेंट है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, जी सर समझ में आ गया। और कॉन्सेप्ट जो था जो उल्टा बोल रहे थे वो अब सही हो गया, यानी अगर अफ्रीकी महाद्वीप गर्म हो रहा है तो इसका मतलब मानसून समय से आया। उल्टा तो हमने खुद ही बोला था आज दिन में सुबह, तभी तो सर कंफ्यूजन हो रहा था। नहीं हाँ नहीं, वहां पर तो हमने इग्नोर मार दिया अभी आईओडी को, वहां पर कॉन्सेप्ट हम जो पकड़े थे पॉजिटिव आयो, देखो दरअसल द हिंदू न्यूज़पेपर लेके बैठे थे हम है ना, उसमें गड़बड़ी ये थी कि जो एक्सप्लेन तो करते नहीं है वो कैसे हुआ, बस लिख देते हैं कि इससे हुआ है ना, तो उस वजह से हो गया गड़बड़ी वहां पर, तो बीच बीच में यूआरएल लिख देते हैं उस पे कि ये यूआरएल इस पे चेक कर लो। हाँ उसमें कहा यूआरएल पेपर में कौन यूआरएल क्लिक करता है भाई है ना, लेकिन लेकिन जो है वो खुद डायरेक्ट भाई द हिंदू का पेपर उठा देखो उसमें लिखा हुआ है। अब जब उस पर हम लोग डिस्कस किए आज जो है इवनिंग में, तो निकल तो तब हमने दिमाग लगाया यार ये तो गड़बड़ था कॉन्सेप्ट ही है ना, क्योंकि हो जाता है इन लोगों का, पर इसलिए कहते ना न्यूज चैनल ठीक है उनका क्या मतलब है, लेकिन यह है कि अपना फैक्ट क्लियर हो तो चीजें सब हमेशा क्लियर रहेंगी। बहुत खुशी की बात है कि हमारे स्टूडेंट जो है इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो समझ सकते हैं कि अब द हिंदू कहाँ गलत है कि नहीं, बहुत बढ़िया बात है ये। सर एक चीज और ये मेंशन कोड किया था राहुल जी ने, ठीक है स्पेशली, नहीं तो अभी मैं करेक्शन नहीं करवा पाता। हाँ सर एक चीज और ये, अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर ये जो धाराएं है, आएगा भी नहीं, तो नहीं जो धाराएं हैं जैसे अबुल हजर की धारा और ये मोजाम्बे की, अगर ये भूल जाते हैं तो विषुवत रेखीय हिंद महासागरीय विषुवत धाराएं, हमारी क्लास का रिकॉर्डिंग है सुनने के बाद अगर कोई भूल जाए तो बताना, जिसने वीडियो रिकॉर्डिंग सुना हो, नहीं वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मतलब क्लास किया होगा, पूछ रही हूँ क्योंकि वो विषुवतीय धारा ही तो है, ये वाली हिंद महासागर में चलने वाली विषुवतीय धारा है ना, ये वही आगे घूम गई जंजीबार से, नाक थी इसकी मेडागास्कर की, नाक थी, नाक से टकराई तो टूट गई है ना, बाइफरकेशन हो गया, बाइफरकेशन ऑफ द ओशन करंट आफ्टर कोलिजन फ्रॉम द मेडागास्कर पेनिनसुला, नॉर्दर्न टिप ऑफ द मेडागास्कर पेनिनसुला, द क्या नाम इसका, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल करंट बाइफरकेटेड इनटू टू सब स्ट्रीम्स,
वन इंटर्स फ्रॉम द मोजाम्बिक चैनल बिटवीन द मोजाम्बिक चैनल नोन एज द मोजाम्बिक करंट एंड सेकंड वन इज अबुल हास थर्ड वाली जो ऊपर जाती है वो प्रतिविस्मृति बना लेती है बिकॉज ऑफ द कोरियालिस फोर्स बोथ करंट मीट एट अराउंड 45 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड बिकम अगेन अबुल हास करंट ठंडी वाली मिल जाएंगे ना सर ये पहले नहीं पहले अबुल हास बनेगी फिर जाकर के मिलेगी पहले अबुल हास बनेगी वो तब जाकर के मिलेगी ठीक है तो यहाँ तक सबका डाउट हमको लगता है क्लियर हो गया होगा अगर किसी को है तो क्लियर कर लो फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट वहां पहुंचते हैं बृहद डाउट वाला क्लियर है सबका किसी कोई डाउट नहीं है जी सर क्लियर है अगला आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ाया था उससे संबंधित डाउट क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक नया क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिल रहा है सर चैप्टर ही पूरा पढ़ा दीजिए क्योंकि वो है नहीं रिकॉर्डिंग में पूरी दुनिया की ही जलवायु को परिवर्तित करने वाला है बहुत बड़ी थ्रेट है अरे किसने सुना होगा कोई तो एक बंदा रहा होगा ऐसा जो जिसने क्या कहते हैं लिख लिया होगा या कुछ समझा होगा मैं करूंगा मैं उसको करूंगा पर देख रहा हूँ है इसमें सर आपने ये बताया था जो एमोक जो है वो अटलांटिक महासागर में महासागरीय धाराएं हैं उनका फ्लो डाउन एमोक का फुल फॉर्म बता दीजिए अटलांटिक मेरी अटलांटिक मेरिडाइन मेरिडाइनल इट इज बिकॉज ऑफ द कैस्केडिंग इफेक्ट टेक प्लेस इन इंडियन ओशन एंड दिस इफेक्ट इज हैपनिंग currently in Atlantic Ocean. अब यहां पर कई बातें आती है भाई इसको पूरी ग्लोबल थ्रेट कहा जा रहा है दुनिया की ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ी समस्या इसे कहा जा रहा है न्यू रिसर्च में आया है सामने तो ये अब रहेगा कम से कम 10-15 साल तक पेपर में अपना अस्तित्व बना करके रखेगा ठीक है द हिंदू में इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है ठीक है लेकिन अभी हम बात करते हैं कि इसको बहुत सरल तरीके से कैसे समझ लिया जाए मुझे लगता है कि शिवेन जी आपको थोड़ा आइडिया है यस सर थोड़ा बताइए जी जैसा कि सर आपने बताया था कि एमोक जो कंडीशन है इसमें क्या है सर कि महासागरीय धाराएं जो हैं उनकी गति धीमी हो रही है और आशंका यह जताई जा रही है कि गति कहीं धीमी इतनी ना हो जाए कि ये गति धीमी होकर जो महासागरीय धाराएं हैं वो उल्टी प्रवाहित होने लगे एक मिनट बोलो मत भाई जी सर आवाज कर लो बाकी अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है ऑन कर लीजिए ऑन हां ठीक है बताइए सर चलेगा ये आपने बताया था कि ये महासागरीय धाराएं हैं उनकी गति जो है धीरे धीरे धीमी होती जा रही है और आशंका ये है कि कहीं इनकी गति इतनी धीमी ना हो जाए कि ये फ्यूचर में जाके अपने मतलब विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगे नहीं कहीं पर तेज हो जा रही है ज्यादा हाँ कहीं पे तेज भी हो रही है कहीं पे धीमी हो जा रही है जी सर हाँ, जैसे कि हिंद महासागर में भी होती है अपनी मानसूनी धाराएं 6-6 महीने में बदल जाती है तो हिंद महासागर में तो सोपानी प्रभाव होता ही है अभी इस टाइप का सोपानी प्रभाव जो है अटलांटिक में शुरू हो रहा है सर नहीं तो ठीक है आपसे एक क्वेश्चन ऐसा चले कि सब लोग को समझ में आता चले जैसे इन्होंने बताया सब लोग बाकी लोग समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कुछ ओशन करंट की रफ्तार तेज हो जा रही तो कुछ ओशन करंट की रफ्तार धीमी हो जा रही है ना ठीक है कोई तेज होगा तो कोई धीमा होगा ही सीधी सी बात है ना किसी के नंबर ज्यादा आएंगे तो कोई का नंबर कम आएगा सीधी सी बात है ना
कोई जितना सुंदर होगा प्रकृति का नेचर ही ऐसा है, सब डिस्ट्रीब्यूट होता है कि नहीं। अभिषेक, जैसे जैसे अभिषेक की खूबसूरती बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी में किसी न किसी खूबसूरती उसी तरह से कम होती जाएगी, अल्बिडो इफेक्ट। क्यों अभिषेक? हाँ ठीक है, तो अब तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर अटलांटिक ओशन की ही बात की गई है। क्यों इस अटलांटिक ओशन की ही बात क्यों की गई यहाँ पर? क्या यह जो है प्रभाव बाकी का नहीं है? क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो इसका आंसर दीजिए। सर मैं तो आप ही से। हाँ जी सर, क्योंकि सर हिंद महासागर में तो सोपानी प्रभाव हमेशा से होता रहा है सर, उधर छह महीने बाद महासागरी धाराएं चेंज हो जाती हैं, नई महासागरी बन जाती है जो मानसूनी धाराएं में आती है ना सर। तो हिंद महासागर में तो इस चीज को अडॉप्टेशन हो चुका है, हिंद महासागर के जो आसपास के देश हैं, हिंद महासागर की जलवायु है, यहाँ का तो सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन, यहाँ की जो प्रजातियां हैं वो इस सिस्टम के प्रति अनुकूलित हो चुकी है। राइट है जी सर, हिंद महासागर में इसका अडॉप्टेशन हो चुका है तो इसलिए इधर प्रभाव कम पड़ेगा। और रही बात प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर क्या है, एक बहुत बड़ा महासागर है, काफी विस्तृत है, चौड़ाई उसकी बहुत ज्यादा है, तो वहाँ की महासागरीय धाराओं, और दूसरी चीज सर वहाँ के भी जो प्रशांत महासागर है उसकी महासागरीय धाराएं एकदम स्वतंत्र रूप से सर प्रवाहित होती है, तो उनपे इतना प्रभाव नहीं पड़ पा रहा है इस चीज का सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उसके अलावा सर अगर एक चीज और देखी जाए तो वहाँ भी प्रशांत महासागर में अल नीनो ला नीनो इफेक्ट आते हैं, तो उधर भी थोड़ा बहुत अनुकूलित हो ही चुके हैं। बिल्कुल 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 राइट आंसर, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मतलब क्या बताएं, बहुत फुल नंबर मिलता है अगर आप ऐसे लिखते तो जी सर। और अटलांटिक में सर इस प्रकार की कोई घटना होती नहीं है, जैसे ना तो प्रशांत महासागर जैसी और ना ही हिंद महासागर जैसी, वहाँ की धाराएं अपनी निश्चित गति पे और निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती है, लेकिन जब वहाँ इस टाइप की घटनाएं होंगी, अगर महासागरीय धाराएं धीमी होंगी या तेज होंगी, तो वहाँ के जो देश है, आसपास के क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि मतलब जहाँ पे है जिस प्रकार की उससे विपरीत होगी सर। तो वहाँ की जब जलवायु प्रभाव पड़ेगा तो जैव विविधता का ह्रास होगा, खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो जाएगा, और एक पॉइंट जैसे सुबह बताया था जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो सकता है मीथेन के कारण, क्योंकि अगर उत्तरी ध्रुव के आसपास की बर्फ पिघली तो उसके नीचे जो मीथेन के भंडार हैं वो मीथेन गैस उत्सर्जित होगी सर, और जब मीथेन गैस उत्सर्जित होगी तो वो CO2 से भी ज्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है, मतलब 20 वर्ष में 80 गुना। अच्छा, आपने ही तो इसको आपने ही तो क्लास में डिस्कस भी किया था ना, आपने पढ़ा था पहले भी आर्टिकल। जी सर, आप ही ने बोला था ना वाली बात, मतलब 20 वर्ष में, इसीलिए कहता हूं पढ़ा करो द हिंदू सब लोग, 20 वर्ष में 80 गुना ज्यादा प्रभाव डालती है CO2 की तुलना में मीथेन। बहुत बढ़िया, राइट राइट। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको रोकता हूँ, इस टॉपिक पर आते हैं। सानिया, सुबह मैंने डिस्कस किया था कि ये बताओ, इन्होंने एक बात बोला था वहाँ पर आगे कि क्या कहते हैं, वहाँ पर टाइगर रीजन में जो ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, नॉर्वेजियन करंट वहाँ पर फास्ट हो जाने के कारण उसको एक्सेलरेट कर रही है मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर रीजन, तो उस कारण से अनलॉक हो रही है मीथेन, तो मीथेन कहाँ से आ गई वहां? अगर तुम नहीं बता पाते तो जो भी हैंड रेज करे वो बता सकता है, सब कोई भी कोई हैंड रेज करे। सॉरी सर। ओके अभिषेक गुप्ता, यार तुम आजकल हाईलाइट में हो यार, क्या बात है, बोलो बोलो। रीजन है वहां पर, होता क्या कि पत्तियां वगैरह गिर रही है वहां बहुत ज्यादा से, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि बर्फ के नीचे वो दबी जा रही है, वहां पर माइक्रोब्स वगैरह है नहीं जो उनका अपघटन कर सके, जो उनको खनिजीकरण कर सके उनका, तो क्या हो रहा है कि वो सब इकट्ठा हुई चली जा रही है, बर्फ पत्तियां गिरती फिर बर्फ फिर बर्फ फिर पत्तियां फिर बर्फ, तो बर्फ के नीचे सारी पत्तियां जो ह्यूमस वगैरह सारा इकट्ठा हुआ जा रहा है, इस वजह से वहां पर मीथेन डेवलप हो रही है, उसके भंडार बन रहे हैं। अच्छा, तो
मेथेन तो डिकम्पोज होने पर आती है, रितुल जी आगे ट्रांसफर किया था आपको, ये कह रहे हैं कि वो वहां पर दबी हुई थी, तो फिर अब मेथेन तो तब बनेगी ना डिकम्पोजिशन हो, तो जब वहां बैक्टीरिया नहीं है तो डिकम्पोजिशन कैसे हो जाएगा। रितुल जी डिकम्पोजिशन कैसे होगा, इन्होंने बोला है, कह रहे हैं कि वहां पर बैक्टीरिया नहीं है। सही बताया, हाँ सही बताया है, सही बताया है, लेकिन डिकम्पोजिशन वाला मामला अभी नहीं समझ में आया। मैं बताऊं सर? नहीं कौन सा सर, हम ये कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन वाला मामला जो चल रहा है यहाँ पर है ना, कि यहाँ पहुंचा मान लो तो ह्यूमस बन जाता है ना सर वहाँ, और जब जब कभी भी एक मिनट रुक जाओ अभिषेक चुप रहो। हाँ जी, अगर किसी वजह से वहां पर जो जो भी अभी मैं क्योंकि महासागरी धाराएं नहीं पड़ी हैं तो उतना नहीं बता सकता, अगर किसी वजह से वहां पर थोड़ी भी गर्मी जो होती है तो जैसे ही जब गर्मी शुरू होती है तो वहां पर बैक्टीरिया जो होती है वो डेवलप हो जाता है, और बैक्टीरिया के डेवलपमेंट से ही वहां पर डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर जब ठंडक आती है तो फिर डिकम्पोजिशन रुक जाता है, तो एक ह्यूमस की ह्यूमस बन जाता है जिसकी वजह से वहां की जो मृदा है वो अम्ल होती जा रही है। राइट, और सही उत्तर है, जब ह्यूमस बनता है तो नीचे भी बनना शुरू हो जाती है, जब सड़ रही है तो सड़ाई से ही जो है ऊपर बर्फ की चादर की वजह से वो आगे नहीं जा पाती। अभी अचानक से मेथन सर्कुलेशन बढ़ गया, आप लोग एकदम सही हो, एकदम उत्तर सही बताए हो, लेकिन पूर्ण संतुष्टि मिलती है तब जब एग्जैक्ट वो वर्ड सुन ले। सिवेन जी, जी सर, जैसे कि सर अभी बात कर रहे थे कि नॉर्वे की धारा है उसकी गति बढ़ने के कारण वहाँ पहुंची है सर, और नॉर्वे की धारा जैसे कि है कि गर्म जल धारा है सर, और जब गर्म जल धारा एक ठंडे क्षेत्र में पहुंचेगी तो सबसे पहले तो बर्फ को पिघलाएगी, और गर्म जल धारा के पहुंचने से जैसे रितुल सर ने बताया अभी गर्मी बढ़ जाएगी, तो गर्मी बढ़ने से सर वहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो पनप जाएंगे जो कि डिकम्पोजिशन करते हैं सर। अब उधर ह्यूमस तो पहले से ही काफी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, पत्ते डले हुए अंदर है, अब जब बैक्टीरिया वहाँ तेजी से अपघटन क्रिया करेंगे तो मीथेन गैस का उत्सर्जन तेज हो जाएगा, क्योंकि सर उधर ह्यूमस पहले से ही बहुत ज्यादा है, जरूरत है तो केवल बैक्टीरिया आने की बस। बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशन बनी वहाँ, अब बैक्टीरिया ग्रो करने लगेंगे, टेम्परेचर ऑलरेडी इंक्रीज हुआ है और मॉइस्चर वहाँ भरा पड़ा है, बर्फ पिघल गई भाई, तापमान बढ़ गया है, अब वहाँ पर जो भी मटेरियल है बैक्टीरिया पनपने लगेंगे, उस वहां पर फिर पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो ये पूरक है आपका स्टेटमेंट, बाकी दोनों लोगों ने एकदम सही बताया है, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है कई लोगों को, ठीक है। लेकिन अभी मेन मुद्दा ये नहीं है, मेन मुद्दा है कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है और यहाँ पर किन कारणों का चिंता का विषय क्यों है। सबसे पहले हम यही लिखते हैं, सबसे पहले हम चिंता का विषय लिखते हैं तब नंबर मिलते हैं, पहले चिंता का विषय लिखना चाहिए है ना, फिर उसके बाद लिखना चाहिए उसका समाधान क्या है, अगर है तो कोई है ना सजेशन तुम्हारे मन में तो बढ़िया नंबर मिलते हैं, तो बीच में फैक्ट लिख देना होता है, चिंता के विषय के बीच में पूरा कॉन्सेप्ट लिख दो क्यों होता है ना, और उसके बाद फिर लिख दो तो पता चला हाँ इसको चिंता का विषय भी पता है, फिर इसे कॉन्सेप्ट भी पता है, अब इसे यह भी पता है कि इसका निदान क्या है, और जोर के नंबर मिलते हैं फिर है ना, ठीक है। तो अभी आते हैं इस मुद्दे पर कि चिंता का विषय क्या है, ये अमोक का चिंता का विषय क्यों है, इसको कोई भी हैंड रेज करे। अरे यार दो ही तीन लोग घूम घुमा कर रहते हो, कोई और भी है मिहिर? अच्छा तुम क्लास में नहीं थे आज? नहीं सर, नहीं लिए क्लास आज सर। अच्छा ये वाला तो नहीं सुन पाए, स्टार्ट कर सकते हैं थोड़ा सा, रुक जाओ ना और लोग देखने दो, रुके हैं अभी, रुके हैं तो ही तीन लोग आंसर देते रहोगे तो और लोगों का इम्प्रूवमेंट कैसे होगा,
जी सर। और कोई हैंड रेज करो भाई, पढ़ाए सबको था। सर मैं तो जवाब मैंने किया हुआ था सर। अरे अरे तुमसे हम कब से पूछे थे। मैं रास्ते में था सर, बाइक चला रहा था मैं। ओह ओके, अब बताओ 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 बताओ। जी जी, क्योंकि 7:30 बज जाते आते हुए। प्यार से बताना ऐसा। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, पानी वानी पी लो, है ना, पानी पिए कहीं। जी नहीं, पी लिया सर, पी लिया। हाँ ठीक है, अब बढ़िया सर, ऐसा बताओ कि हमको ही नहीं दूसरे लोग समझ में आए, है ना। जी ऐसा प्यार से बढ़िया बढ़िया से बताओ, बढ़िया से बताओ सर। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे ग्लेशियर है, जो हिमानी, ये पिघल रहे हैं, पिघलने की वजह से हमारे जो समुद्र का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और समुद्र के गहराई में जो नीचे हमारे मीथेन गैस उपस्थित है उसके धीरे धीरे ना बुलबुले टाइप का वो उभर रहे हैं, समुद्र से उसकी जो गैस है वो बाहर निकल रही है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और जैसे शिवेंद्र जी ने बताया था कि ये 20 साल में लगभग 80% इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा खतरनाक होती है, मतलब हमारे पर्यावरण के लिए, तो ये हमारे ओजोन को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हेलो, आ रही आवाज आ रही। हेलो, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही है सोनू जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी जी, तो जैसे समुद्र में तापमान इसके अंदर क्या होगा, बढ़ता चले जाएगा तापमान, और जो हमारे इसके अंदर सुनामी है, सुनामी भी ज्यादा से ज्यादा आने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि 27 डिग्री के आसपास हमारा टेम्परेचर होना चाहिए, 160 मीटर की गहराई तक। अगर तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जल्दी जल्दी हमारे इधर सुनामी या जो ज्वार भाटे हैं ये समुद्र में तूफान वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, उससे जितने भी हमारे समुद्र के किनारे के आसपास क्षेत्र हैं उन पे भारी नुकसान होगा, और ये हमारे जो कृषि है उनके हमारे जो उनमें भी इफेक्ट डालेगा काफी, जो हमारी मौसमी क्या बोलते हैं उनको, मौसमी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। नहीं, तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपका जो लाइन जा रहा है ये ग्लोबल वार्मिंग पर जा रहा है, लोग इसे ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ा खतरा बता रहे हैं, ये पूरी दुनिया का क्लाइमेट चेंज कर देगा, हिस्ट्री सब बदल देगा। सुबह बताते कि इससे जी जी नई नई बीमारियां भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाएगी। 17,000 साल पहले जो है, कौन सा हमने येल यूनिवर्सिटी का रिसर्च है, उसने बोला था इस तरह की कंडीशन 17,000 साल पहले हुई थी, और पूरी दुनिया में क्लाइमेट बदल गया, जहां पर घास है वहां वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गए, कहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट थे तो वहां मरुस्थल हो गया। और सबसे बड़ी थ्रेट है यूरोपियन कंट्रीज को इसके लिए, ठीक है। तो आप थोड़ा ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चले जा रहे हो, ठीक है। अभी हम आते हैं कि सबसे बड़ा थ्रेट ये यूरोपियन कंट्री के लिए क्यों है। आर द कंट्री सराउंडेड विद द अटलांटिक ओशन, सबके लिए थ्रेट है, लेकिन सबसे पहले बर्बाद होंगे यूरोप। यूरोप जैसे सर आपने बताया था, प्रकृति का नियम है। सर 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 ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, जो जितने भी हमारे ग्लेशियर जो पिघलेंगे, अधिकांश यूरोपियन कंट्री में जितने भी देश है वो समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्र में, जैसे जैसे समुद्र का वाटर लेवल इंक्रीज होगा, जो जितने टापू नुमा देश है वो पूरे जलमग्न हो जाएंगे। ना भाई, हमने आज नहीं बोला ये बात। नहीं, सुबह में सर अब लेक्चर में ऐसी कुछ था सर, ये सर मैं बताऊं कुछ। देखो देखो, कॉन्सेप्ट से हम लोग भाग थोड़ा, हम लोग अब गहराई में आ रहे हैं, हम लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं ना, तो सर? अब लेवल अपना बढ़ा। हाँ, तो ये बिल्कुल आपकी बात सही है, वो ग्लोबल वार्मिंग है, मैंने बोला भी था, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट था, इसमें कुछ दूसरा बात है, इतना आसान हल्की बात नहीं। हाँ सर मैं बताती हूँ, थोड़ा सा कुछ आ रहा है माइंड में, जैसे अटलांटिक हेलो बताओ बताओ अटलांटिक ओशन में इसने एमोक में ये सिचुएशन बनती है ना कि जो धाराएं हैं ना उनकी गति कम हो जाती है, जिस वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज के तरफ जो जेट
करंट जा रही हैं वो उसको गर्म रखती हैं यूरोपियन रीजन को, जैसे ब्रिटेन वगैरह को. उससे क्या होता है वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है लाइक कॉटन वगैरह का वो अच्छा प्रोडक्शन होता है. अगर इनकी जो अटलांटिक करंट्स की गति धीमी हो गई तो ओशनिक वार्म ओशनिक करंट वहां प्रॉपरली पहुंचेंगे नहीं और वो क्षेत्र पूरी तरह ठंडा हो जाएगा, जिससे वहाँ कॉटन वगैरह की फसल भी अच्छे से उग नहीं पाएगी. और दूसरी चीज ये होगी कि प्राइसेस वगैरह आ जाएंगे और साथ में फिर बीमारियां भी आएंगी. और काफी हद तक ठीक समझ में आया है, काफी हद तक ठीक समझ में आया, लेकिन अभी भी उस डेप्थ तक नहीं पहुंच पाए. लेकिन तब भी सोचो इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है तुम्हारे अंदर, है ना. पीछे जाकर भी क्लास नहीं लिया, उसके बावजूद भी दो तीन क्लास से थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आना भी, है ना, ये भी बड़ी बात है, है ना. जो द हिंदू नहीं समझ में आता है तो तुमको समझ में आना शुरू हो रहा है. सर सारी सारी सिचुएशन मतलब अटलांटिक ओशन में जितने भी ओशनिक करंट्स हैं चाहे वो कोल्ड हो या गर्म हो. पूनम हो ना तुम? पूनम पूनम सर मैं लक्ष्मी. अच्छा तुम लक्ष्मी हो, ओके ओके. तुम दोनों की आवाज बहुत मैच करती है. मैं नहीं हूँ. अच्छा 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 ठीक ठीक अच्छा ठीक है बताओ. बहुत बढ़िया लक्ष्मी, आज तुम एकदम फुल फॉर्म में हो. हाँ बताओ. सर मैं वही कह रही थी कि अटलांटिक ओशन के करंट्स में धीमा हो जाएगा तो वो थोड़ा सा भारी पूछ लें अब चेक करने के लिए. थोड़ा सा भारी ठीक है. थोड़ा सा भारी ये कि ये बताओ कि ये जो कैस्केडिंग इफेक्ट है ना, इसको यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों, ये तो पता चल गया, लेकिन ये कोरिलेटेड कैसे है ये बता दो हमको, बस हम खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे आज हम. सर ये मेन चीज है, ये तो नहीं समझ आई. जो गति धीमी हो रही है अटलांटिक करंट्स की, अटलांटिक ओशन करंट्स की गति धीमी हो रही है वो कॉस्मेटिक इफेक्ट के कारण हो रही है. वो ही चीज तो समझ नहीं आई कि वो वहां पर ऐसी सिचुएशन क्यों बनती है. नॉन ऑप्शनल कोई हाथ नहीं उठाए, देखो जगह भी अपन वाले नहीं हाथ उठाए अभी, मान लो ठीक है मौका देंगे, लेकिन जो ऐसे हैं वो बताएं, वो बड़ी बात होगी. एक भी नहीं है ठीक है. रितुल जी आपने हैंड रेज किया है, ठीक है तो आप बताइए. जी सर इसका बताइए कि हाउ कैस्केडिंग इफेक्ट इज कोरिलेटेड विद एमोक, ऐसा बताइए कि नॉन टेक्निकल भाषा में, है ना. सारे समुद्र जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और शिवेन जी की बात जहां पे उन्होंने खत्म की थी वहीं से शुरू करेंगे. तो जो प्रशांत महासागर का उन्होंने बताया कि वहां पर इसका इफेक्ट कम पड़ता है, क्यों कम पड़ता है, उसकी गहराई की वजह से, उसकी विशालता की वजह से. और जो अटलांटिक महासागर है वो भी कनेक्टेड है, तो उस कनेक्टेड की वजह से अटलांटिक महासागर में प्रभाव इसका ज्यादा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वहां पर अटलांटिक में जो धाराएं हैं वो एक ही दिशा में बह रही हैं. तो सही बात इस वजह से सबसे ज्यादा डायरेक्शन उसका डायरेक्शन जी उसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसकी गति में परिवर्तन होगा, तो जाहिर सी बात है प्रभाव ज्यादा वहां पर इंगित होगा, देखा जाएगा. जबकि सबसे ज्यादा उथल पुथल जो है वो इंडियन ओशन में, क्योंकि इंडियन ओशन उस चीज को हैबिटुअल हो चुका है, वहां पर ये चीजें होती रहती है. प्रशांत महासागर में अल नीनो लालिना की घटनाएं होती रहती है, तो इतना वहां पर नहीं आ रहा है क्योंकि वहां डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही. तो कोई चीज अगर एक दिशा में जा रही हल्का सा अगर उसमें कहीं भी परिवर्तन होता है वो चीज बहुत ज्यादा दिखती है और उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ता है. ठीक है लेकिन हम तो जान रहे थे इतना बता ले जाएंगे, इसका उत्तर आप बताइए तो मजा आए हमको. ये बताइए जैसे हमने लक्ष्मी जी से भी पूछा था ये बात, शायद ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो क्या कहते हैं येल यूनिवर्सिटी ने बताया है वो है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सफर करेंगे. आप सुबह क्लास में भी थे है ना, तो मैं इसका उत्तर अपेक्षित करता हूँ कि आप बता पाएंगे. थोड़ा भारी है जी. यहाँ पर जैसे जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है वहां पर खट्टे फलों की खेती होती है, अंगूर की खेती होती है, तो वो प्रभावित होगी.
और क्योंकि जलवायु में परिवर्तन होने से, तो और दूसरा ये यूरोप 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 क्यों बर्बाद होगा सबसे पहले इसमें यूरोप, देखो अभी नियम है प्रकृति का, जो बहुत कमाया है बहुत अमीर हुआ है बहुत लंबे समय बाद डाउन होगा, इसका भविष्य यही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि ये जो 17,000 साल पहले सब क्लाइमेट चेंज हुआ, सब कुछ बर्बाद हुआ है ना, हिस्ट्री बता दी वो ठीक है, लेकिन अभी जो येल यूनिवर्सिटी है उससे सहमत है कि नहीं है ना, तो उसके बाद उसको पुष्ट भी कर दिया चाइना और जापान दोनों ने भी इसको कहा कि ये दुनिया का बहुत बड़ा खतरा है, यहाँ तक जापान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से भी बड़ी थ्रेट है जो आ रही है। सर एक मिनट एक एक, एक मिनट, इसका उत्तर जो है अभी तुमको देते हैं बोलने को, और इसको इसको बताइए कि यूरोप को सबसे नंबर वन पर टारगेट पर यूरोप में ब्रिटेन भी है ना, नॉर्वे भी है, सब ये सब भी है, नॉर्वे स्वीडन इनका सबका कॉन्सेप्ट पीछे चर्चा हो चुका, वहां पर प्रॉब्लम होगी, हम ब्रिटेन से लेकर के नीचे तक आते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ का क्लाइमेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सबसे ज्यादा इसमें जो प्रभावित मतलब कुप्रभावित होगा वो है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, भूमध्य सागरी जलवायु और लॉरेंसियन क्लाइमेट कनाडा वाली, ठीक है, एडवांस क्लाइमेटोलॉजी भी हम लोग नहीं पढ़े हैं है ना, लेकिन बाद पढ़ेंगे, लेकिन मेडिटेरेनियन के बारे में बताया भी है, ठीक है, तो अभी हम लॉरेंसियन की बात नहीं करेंगे, मेडिटेरेनियन पर इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्यों इसका कारण बताया जाए। सर इसका वही है रिलेशनशिप, कौन सी करंट कहां जा रही है, क्योंकि करंट वाला ज्योग्राफी मैंने नहीं ली थी इसकी क्लास। अच्छा हां बिल्कुल हां ये राइट है, नहीं जा पाऊंगा, शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेटा कहां से कौन सी चीज आ रही है जी। हां 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 तब आप, लेकिन ये चीज क्लियर है, अगर यहां पर अगर जी ठंडी धारा अगर गर्म धाराएं आ रही होंगी तो वहां पर ठंडी आना शुरू हो जाएगी, अगर वो धीमी गति से आ रही होंगी तो उसकी गति बढ़ जाएगी, और जो वनस्पति होती है वनस्पति के लिए एक हवा की एक निश्चित स्पीड चाहिए होती है, तापमान चाहिए होता है, उनमें अगर परिवर्तन होता है तो वनस्पति भी प्रभावित होती है, क्यों वनस्पति प्रभावित होती है क्योंकि वहां का स्थलखंड भी प्रभावित होता है, दोनों पर प्रभाव पड़ता है। राइट राइट, काफी हद तक आप लोगों ने ही आंसर दे दिया सर, एक मौका बहुत अच्छा है। हाँ मीर तुमको मौका दे रहे हैं, उसके बाद मैं खुद एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ है ना, बताओ। सर अटलांटिक ओशन में कॉन्टिनेंटल सेल्फ का जो एक्सटेंशन है वो ज्यादा है और ओशन के कंपैरिजन में, तो जहाँ सर ठंडी करंट और गर्म करंट मिलती है तो वहाँ क्या होता है कि फिशिंग इंडस्ट्री मेरा बूम होता है, तो सर मतलब अगर करंट अगर नहीं मिलेगी तो सर उससे फिशिंग इकोनॉमी पे भी अफेक्ट करेगा, और उधर साइड जो है जो मतलब आइलैंड नेशन होती है वो थोड़ा फिशिंग पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो इस चलते भी सर, और सर कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे ही सर कोरल रीफ वगैरह भी पाए जाते हैं, तो वो भी अगर मरेंगे तो सर मेरा जो O2 का लेवल है वो भी डिक्रीज right, right. तो ये right. कारण है हमको लगा, लेकिन ये थोड़ा ऊपर चले गए, वहां पर बात ठीक है, हम वहां पर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं है, तुम्हारा आंसर सही है, आंसर सही है, लेकिन मेडिटेरेनियन टाइप वाला बताओ कि ये इसके ऊपर सबसे बुरा असर क्यों पड़ेगा सर, आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सर एक प्रभाव इसमें ये भी हो सकता है, जो अभी यहाँ से जो शिप यार्ड वगैरह बने हुए हैं उनपे भी तो नुकसान होगा इसका, वो भी हो सकता है, जो आइलैंड है वो भी तबाह हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वहां की जो नहीं उस तरह का इफेक्ट नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे होता रहेगा, ये किसी को पता नहीं चलेगा कि बर्बाद होता जाएगा है ना, जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता ना प्रॉब्लम बहुत प्रचलित हो गया है, अब ये न्यू रिसर्च है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट सर खेल उठता है, ठीक है, ये 30-35 डिग्री की जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं ये क्या होती हैं कि शिफ्ट हो जाती हैं ठंडी में नीचे की ओर गर्मी में ऊपर की ओर है ना, तो जब ये गर्मी में सॉरी ठंडी में साउथवर्ड माइग्रेशन हो जाता है, दक्षिण की ओर जब ये शिफ्ट हो जाती है, तब ये पूरा का पूरा एरिया
पछुआ पवनों के प्रभाव में आता है। ये अभी शिफ्ट हो गया यहाँ, ये पूरा एरिया पछुआ पवनों के प्रभाव में आ गया। जिसको नहीं समझ में आ रहा है रिकॉर्डिंग सुने, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, नहीं तो बाद में डाउट हमसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये पछुआ पवनों के इम्पैक्ट में आ गया, तो ठंडी में ये मॉइस्चर वाली वार्म विंड यहाँ पर बारिश करवाएंगी, इसलिए ठंडियां सर्द नहीं होती लेकिन गर्मी बहुत गर्म होती है और ड्राई रहती है ना। तो मॉडरेटली कोल्ड विंटर्स एंड एक्सट्रीमली वार्म समर, इट इज द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। रेनफॉल अकर्स इन विंटर नॉट इन समर, मेंस में पेपर में लिखने के लिए आया है। What are the basic differences between the Mediterranean type of climate and monsoonal climate of India? ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हमने एक्सप्लेन भी किया है, बकायदा पूरा बताया हूँ मैं, है ना। हालांकि हल्का सा टच एडवांस क्लाइमेटोलॉजी का था इसमें, और जो टॉपिक भी चल रहा है ये सब एडवांस क्लाइमेटोलॉजी के लेवल के हैं, है ना, लेकिन ये करंट का है मामला। तो अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसके इफेक्ट में आता है, तो बारिश यहाँ पर होती है, तो यहाँ पर फिर अंगूर वगैरह खट्टे फलों की दुनिया कहलाता है, ये सब होता है, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर विंड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, पवनों का जो बहाव है वो कमजोर हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए वहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो करके कहीं और हो रही है, गर्मी कहीं ऊपर की ओर हो रही है, तो प्रेशर बिल्ड की शिफ्टिंग में भी परिवर्तन आएगा। ओशन करंट, जैसे अब ये है यहाँ पर कोल्ड ओशन करंट चलती थी पुर्तगाल स्पेन, है ना, अब यहाँ पर गर्मी हो गई लंबे समय के बाद, तो यहाँ के जो पेड़ पौधे उगते थे ठंडी वाले वो सब मर जाएंगे। ऐसे ही जहाँ जहाँ पर ठंडी है लंबे समय वहां गर्मी हो जाएगी, और जहां जहां गर्मी है वहां लंबे समय में ठंडी हो जाएगी, तो वहां के जो पौधे अनुकूलित थे वो सब मर मिटेंगे, वो समाप्त हो जाएंगे वहां, एक मास एक्सटिंक्शन का फेज देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एडाप्ट नहीं कर पाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन जहां पर ऑलरेडी कैस्केडिंग इफेक्ट नॉर्मल बात है ना, वहां पर इसका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ठंडी में पौधे अडॉप्ट कर चुके हैं कि हम अपने पत्ते ही गिरा देंगे, तो गिरा देंगे गर्मी में फिर आ जाएंगे, अडॉप्ट कर चुके हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना। लेकिन जहां पर इस तरह की आदत नहीं है वो इसका कुप्रभाव झेलेंगे, है ना, ये इसकी एक बृहद समस्या है। और कोरिलेटेड कैसे हैं कि भाई यहाँ पर ओशन करंट, जैसे अब क्या है कि यहाँ से आ रही थी एक ओशन करंट ऐसे, है ना, यहाँ जा रही थी ओशन करंट ऐसे, ठीक। अगर यहाँ पर उल्टा साइकिल चलने लगेगा तो इस ओशन करंट को वापस धक्का मारेगा, उल्टा विरोध करेगा, तो इसका जो पानी है रिवर्स बैक मारेगा, जब रिवर्स बैक मारेगा तो इसको स्पीड को कम कर देगा, क्योंकि रिवर्स मार रहा है, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर अब बेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर था वो थोड़ा सा इम्बैलेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तो इसके कमजोर होने के कारण ये भी कमजोर होगी जो इधर को आ रही थी, इसके कमजोर होने के कारण जो यहाँ पर आ रही थी ब्राजीलियन करंट वो भी बेचारी बैठ कर ट्रैफिक, है ना, ट्रैफिक। इसको नॉर्मल तरीके से समझा जाए तो आप यहाँ रास्ते में जा रहे थे, यहाँ से आपको इधर जाना था, ठीक है, तो आप इधर को आ रहे थे, इधर से आप यहाँ से आ रहे थे,
देखो पूरा ट्रैफिक सिस्टम से प्यार समझेंगे, कोई कठिन बात नहीं है, है ना। यहाँ से आ रहे थे, है ना, ऐसे प्यार से आ रहे थे, जा रहे थे, यहाँ आ रहे थे, ऐसे ऐसे, ठीक। इधर को निकल जा रहे थे कुछ लोग इधर को निकल जा रहे थे, कुछ लोग वापस अपना घूम के अपने घर पहुंच जा रहे थे, लेकिन यहाँ लग गया जाम। इंडियन ओशन कैस्केडिंग इफेक्ट इज द मेजर कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर द अमोक। जाम लग गया भाई, जाम, यहाँ हाई प्रेशर हो गया है जब लो प्रेशर होना चाहिए था। तो कहेगा अरे ठीक है लौटो, वापस लौटो, अविलंबन भी हो गया, तब भी वापस नहीं लौटी तो विलंब हो गया, लेट, पानी यहाँ पर लॉक हो गया है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, लौटे नहीं तो पीछे का पानी इधर को लुढ़केगा। तो अब यहाँ लग गया ट्रैफिक जाम, इधर वाले को फिर वेटिंग करना पड़ रहा है, तो यहाँ लग गया ट्रैफिक जाम, इसको वेटिंग करना पड़ रहा है, तो इसको यहाँ पर लग गया ट्रैफिक जाम, ठीक। और यहाँ पर क्या था कि पानी यहीं से जाता था ऊपर की ओर, यहाँ से पानी ऊपर की ओर जाता था, तो अब क्या हुआ, ऊपर जाना कम हो गया है पानी का बहाव, और इधर ट्रैफिक जाम हो गया है, तो पानी यहाँ लौटेगा उल्टा कि नहीं लौटेगा, ये भी सोचेगा हम चलो ये वाला रास्ता पकड़ लेते हैं, अरे यार बाहर पता चलता है अरे ऑलरेडी वहां पर ट्रैफिक लगा हुआ है, होता हम लोगों के साथ ना ऐसा ही, लौटेगा। दिस इज रिवर्सल ऑफ द ओशन करेंट डायरेक्शन इन अटलांटिक ओशन, सेम हैपन विद द कैनरी करेंट, दिस इज हैपनिंग विद द वेनेजुएला एंड इन नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन सेम फेनोमेना हैपन विद द कैनरी करेंट विच सराउंडेड द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन, ठीक ठीक है। सो दीज रीजन हैवली अफेक्टेड विद द अफेक्ट, ये तो मरुस्थल है, इसको मार के क्या पाओगे, यहाँ तो ग्रोथ होगी, यहाँ मरुस्थल है तो ईश्वर ने प्लान कर रखा है कि अगले 20,000 सालों में यहाँ पर एवर ग्रीन रेन फॉरेस्ट पैदा करेंगे, न्याय सबके साथ होगा। तुम बड़े अमीर हो, तुमको भिखारी बना दिया जाएगा, क्योंकि तुम ईश्वर से नहीं नेचर से कनेक्ट हुए, नेचर का ला अपने हिसाब से चलता है, ठीक है। तो जगर का ला है, सब चलेगा, ऐसा होता रहेगा, ऐसा होता रहेगा, है ना। खैर तो अभी थ्रेड तो है ही है, क्योंकि अभी तो हम लोग तो आगे थोड़ी ना देखना, अभी तो हम लोगों को 10-20 साल 50 साल जिंदगी का अपना एंजॉय करना है ना, तो हम लोगों के लिए तो बुरा है ना, आगे आप ही लोग आओगे, जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, तो जैसा होगा देखा जाएगा, है ना। जो लोग मुक्त हो जाएंगे मुक्त हो जाएंगे, है ना। फिलहाल तो ये इतना बुरा इफेक्ट है, यहाँ पर हो गया ट्रैफिक जाम, यहाँ उल्टा, अब क्या है कि ये ब्लॉक हो गया सिस्टम, यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम, और इस कारण से गर्म पानी नीचे को रिवर्स हो रहा है। अब तो यानी कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर होता था कि ठंडा पानी, अब लेकिन रिवर्सल ऑफ वार्म वाटर फ्रॉम द लो लैटिट्यूड निम्न अक्षांश से, गीनिया करंट ऑलरेडी यहाँ चलती है, गीनिया की धारा है ना, गरम गरम वहां से घूम जाती थी ऐसे, लेकिन अब यहाँ की तरफ चलेगी, जब यहाँ की तरफ सॉरी यहाँ यहाँ चलती थी यहाँ, ठीक है, यहाँ गीनिया की धारा यहाँ चलती थी, है ना। तो अब गीनिया की धारा यहाँ से घूम जाती थी, लेकिन अब घूमेगी नहीं, अब सीधे नीचे की ओर आएगी आएगी, तो जहाँ ठंडा होता था वहाँ पर गर्म होना शुरू होगा, ऐसा ही ऊपर भी होगा। तो इसका इफेक्ट बहुत बुरा देखने को मिलेगा, ओशन करंट वाला चैप्टर एक बार रिवाइज करोगे तो एक क्लियर होगा। इसीलिए कहते हैं करंट अफेयर तब पढ़ना चाहिए जब बेसिक दुरुस्त हो, बेसिक दुरुस्त का मतलब अच्छे स्तर पर पढ़ा गया हो, ठीक है। एसएससी वाला
स्तर नहीं, ठीक है, तब आएगा भारत की तो। हम लोग कुछ नहीं होने का अभी, है ना, हमें तो फायदा ही है ना सर, क्योंकि दुनिया में दूसरी चीजों की कमी होगी और हमारे यहाँ केरला मर जाएगा, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा सर। हाँ हम लोग बेचेंगे, हम लोग का आदत है ना झेलने की, हमारा निर्यात बढ़ जाएगा हमारे देश का, क्योंकि हमारे यहाँ तो उत्पादन उसी पे खर्च होता रहेगा। तब होगा, तब का तब होगा, हम लोग थोड़ी रहेंगे, है ना, हम लोग तो अभी मतलब है ना, अपनी जिंदगी से मतलब है कि वहाँ 20 साल क्या 50 साल तो ठीक है, अब 10,000 साल 5,000 साल या 1,000 साल बाद भी होता हमें क्या मतलब है, 200 साल बाद होता हमें तो क्या मतलब है कि नहीं, तो अभी का कंट्रोल करके रखना जरूरी है ना। सर इससे ये भी तो हो जाएगा, जैसे कि अभी जो गिनिया की गर्म जल धारा है वो जब नीचे की ओर आएगी तो शुरुआत में तो बीमारियों का कारण बनेगा सर, क्योंकि एकदम से मौसम परिवर्तन होगा, है ना, एक्सेलरेट होंगी बीमारियां, नई नई बीमारियां आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सर जब ये चलता रहेगा निरंतर प्रक्रिया अडॉप्ट कर लेगा, अडॉप्ट भी कर लेगा धीरे धीरे, क्या होगा दूसरा सर जो जहाँ पे मरुस्थल है आज के समय में उस जगह पे घास भूमि आ जाएगी फिर, क्योंकि बरसात होने लग जाएगी धीरे धीरे, नया तो वहां पर नया हैबिटेट डेवलप हो जाएगा, घास भूमि आएगी, जंगल आ जाएंगे, माइग्रेट कर चले आएंगे, जैसे आर्य माइग्रेट करके आए थे जब घास सूखी थी, आर्य माइग्रेट करके आए थे जी, है कि नहीं, ऐसे ही होगा आगे जो है 2,500 साल के बाद की जो पॉपुलेशन होगी वो बताएगी भाई यहाँ पर ये जो कभी हुआ करता था बड़ा अमीर देश होता था है, आज यहाँ मरुस्थल बन जाएगा, है कि नहीं, स्पेन में और ये पुर्तगाल में, पुर्तगाल यही नहीं पूरा पूरा फ्रांस बेल्जियम जर्मनी इटली सब सब तबाह होंगे, सब कनाडा अमेरिका कोस्टल रीजन ईस्टर्न अफ्रीका, अफ्रीका में खुशहाली आएगी क्योंकि सर गर्म जल धारा नीचे की ओर आएगी तो घास भूमि जंगल बढ़ेंगे और जहाँ पे मरुस्थल है वो मरुस्थल धीरे धीरे खत्म होंगे। काफी हद तक आपको समझ में आया, हाँ ये राइट निशि, लाइक मिरर इमेज ऑफ वर्ल्ड द फ्यूचर वर्ल्ड है ना, या और फ्यूचर नहीं तुमने लिखा उसमें क्या कहते हैं रिवर्स भी, तो राइट ये पीछे भी हो चुका है आगे भी होगा, मतलब तुमको भी समझ में आ गया, क्लास भी नहीं करती तब भी ग्रेट ओके, तो अगर किसी को डाउट हो पूछो, लेकिन लेकिन जो है ये टॉपिक हमको क्लियर चाहिए, मैं तब फोकस करता हूँ जो कोई चीज आने वाली होगी पेपर में, ठीक है, इस सबके सबको क्लियर चाहिए हमको, ठीक है, जो भी क्लासेस हुई हैं आज की ये 100% क्वेश्चन है मेंस का, कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और हो सकता है प्री में भी दे दे, लेकिन मेंस का तो नोट कर लो 2020 है ना 2021 मेंस का, हाँ 2021 मेंस का क्वेश्चन आउट, ठीक है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, फिर से बोल रहा हूँ पीछे पीछे बोला था सारे क्वेश्चन आए थे, आज फिर नोट कर लो आएगा, पीसीएस हो चाहे आईएस हो मेंस में नहीं रोक पाएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और हमको ये पॉइंट एकदम क्लियर चाहिए सबके सबका, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता है हमें कॉल कर लेना या फिर इनबॉक्स कर देना, ठीक है, या डिस्कशन आपस में रख लो सब लोग 4-5 लोग अपना डिस्कशन आपस में रख करके उसको क्लियर करो, ठीक है जी सर, हाँ नहीं तब भी नहीं सॉल्व होगा तो हमको इनवाइट कर लेना डिस्कशन में, हम आ जाएंगे समझा देंगे, ठीक है Okay. चलिए ठीक है, अभी हमारी दूसरी भी क्लासेस हैं, ठीक है, तो रखते हैं, ठीक है ओके जी सर ओके सर।